देश में इन दिनों तीन तलाक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मुद्दे पर सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई कर रहा है। इस बीच कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जो लंबित याचिकाएं हैं केवल उसी पर सुनवाई की जाएगी, किसी नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। देश में तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे में समान मुद्दे पर एक अन्य याचिका पर सुनवाई करना आवश्यक नहीं है। गुरुदास मित्रा के जरिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि लंबित याचिका में आने वाला फैसला इस नई याचिका पर भी लागू होगा। आपको बता दें कि पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 6 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद तीन तलाक पर 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी पक्षकारों ने अदालत के सामने इस प्रथा के पक्ष और विरोध में अपनी दलीलें रखी थी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।